આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 હર હંમેશ સત્યની સાથે. જોવા માટે સર્ચ કરો speednews17.com તેમજ તમામ સોશિયલ સાઇટ પર. સુરત ખાતે મહિલાનું માર અડફેટે મોત પરિવારે હત્યાની આશંકા વ્યક્ત કરી. સુરતના પૂણા ખાતેનો બનાવ મહિલાના મોત મામલે પરિવારજનોના ગંભીર આક્ષેપ. મહિલાનું કાર અડફેટે મોત થયાની ફરિયાદ નોંધાઈ. મહિલાના પરિવારજનોએ હત્યા કરાઈ હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરી. મોર્નિંગ વોક પર નીકળેલી પત્નીને સુરતમાં એક કાર ચાલકે અડફેટે લઈ ફરાર થઈ ગયો હતો. આ અકસ્માતના બનાવમાં પત્નીનું મોત નિપજ્યું હતું. જોકે મૃતકના પરિવારના સભ્યોએ ગંભીર આક્ષેપ સામે આવ્યા છે, જેથી હવે આ અકસ્માત છે કે હત્યા બની ગયો છે એ તપાસનો વિષય. સુરતમાં કારની અડફેટે મહિલાની આકસ્મિક મોત કે પછી હત્યા, મોર્નિંગ વોક પર નીકળેલા દંપતીમાં મહિલા જ અડફેટે કેમ આવી? પતિએ મહિલાના નામે લીધેલો હતો મોટો વીમો. અકસ્માત મોત છે કે પછી વીમો પકડવાનું ષડયંત્ર? પરિવારજનોના ગંભીર આક્ષેપ. પોલીસ પર પણ લટકતી તલવાર. પોલીસે અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધી શરૂ કરી તપાસ. સ્પીડ ન્યૂઝ 17 સુરત. बेटी एक महीना पहले आई थी मेरे पास. बेटी ने कहा माँ इसने बीमा कर दिया मेरे नाम पर. माँ मुझे ये मार देंगे, मारने की धमकी देते हैं. माँ मुझे मार देंगे, मारने की धमकी देते हैं ये. मैं उनके पास नहीं जाऊंगी. बेटी को भेज दिया है. ये किसी लड़की से बात भी करता था, कहता था मैं तुझको किसी कीमत पर नहीं रखूंगा, मैं दूसरी शादी करूंगा. माँ ने कहा बे माँ मुझे बुला लो, जब तक लेने को आ रहे थे तब तक बेटी की हत्या कर दी. मेरी बेटी को इतना मारते थे उसकी नंद, उसकी पति मेरी बेटी को बेहोश कर देते. मैं किसान हूँ, मैंने कर्जा निकाल के इसकी सारी पैसे जमा किए, सारे पैसे दिए, फिर भी बेटी को इतना परेशान करता था. मेरी बेटी को पेट भर के भोजन नहीं दिया. 15 दिन से जबरदस्ती इस बेटी को मेरी को घूमने ले जाता था. 5 बजे बेटी मेरी खाती थी, मैं नहीं जाऊंगी. जबरदस्ती खींच के गेट से, बेड से और गेट तक खींच के ले जाता था कि चल जल्दी घूमने जा चलेंगे. मेरी बेटी के बदले मुझे बेटी चाहिए. मैं इतने हाथ जोड़ती हूँ, मेरा न्याय किए, मेरे बेटी के पीछे मेरा न्याय कर दो. मेरी बच्ची के साथ में ये हुआ है तो ये उसकी बच्ची के भी साथ में करेगा ये काम. मेरी बच्ची के साथ जो काम हुआ उसकी बच्ची के साथ होगा. मेरी बेटी का मुझे न्याय चाहिए. मैंने जन्म दिया था बेटी को, माँ ने आंचल का दूध पिलाया था बेटी को. मुझे बेटी के बदले मुझे बेटी चाहिए. मुझे न्याय चाहिए. बेटी का मुझे न्याय चाहिए. ये किसी लड़की से बात करता था सूरत में, वो कहता था उसी के साथ शादी करेंगे. हमने अपनी बच्ची की शादी 16 फरवरी 2017 में दी थी, तो इनको सारा जिनने जितना मांगा था उससे ज़्यादा उनकी शादी की. और कुछ ही दिनों बाद, 2 महीना बाद हमारी लड़की को इतना मारने पीटने लगे कि वो बेटी इनकी और पति दोनों लोग इतना मारते थे, लड़की बेहोश हो जाती थी. 2 महीना बाद इन्होंने हमारी लड़की से 5 लाख रुपये की मांग की, तो हमने कुछ 2 लाख रुपये इनके खाते में भेजे. और बाकी बाद हमने शेष वायदा किया हम और देंगे, हमारी लड़की को मत मारो, लेकिन इन्होंने नहीं माने. कुछ दिनों बाद हमारी लड़की को यहाँ पे हमारे पास छोड़ गए. 2-2.5 महीना लड़की हमारे पास रुकी, तो उस लड़की ने सारी बात बताई कि पापा ये किसी लड़की से बात करते हैं और ये कहते हैं कि तुझको नहीं रखूँगा, उसी से मैं शादी करूँगा सूरत में. तो लड़की को फिर मैंने नाना और मामा को बुलवाया, उन्होंने ये कहा कि मतलब इनको समझाया बुझाया अपने घर पर सब लोगों को, तो उन्होंने कहा कि अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम लड़की को भेजेंगे. लड़की को वहाँ भेजा, तो उनके कहने पर बाकी बाद फिर भी इन्होंने लड़की के साथ वही बदतमीजी की. ये इनकी लड़की पूजा को बहुत मारती थी, पीटती थी, और जब ये अपने फ़ोन से कभी बात नहीं कराते थे, हमारे लड़की के पास फ़ोन भी नहीं था,
और उसमें कॉल रिकॉर्डिंग रखते थे। जब हमारी लड़की की कभी सुबह शाम कभी बात कराते थे 10-15 दिन में, तो मतलब खड़े हो जाते थे कि कोई एक शब्द नहीं बोलेगी, अपने माँ को कोई बात नहीं बताएगी किसी तरह की, डंडा को। और इनके पिताजी तो रिवॉल्वर लेके खड़े हो जाते थे, अगर तूने अपनी माँ को कुछ बताया तो तुझको मार देंगे। तो लड़की के पास अपनी रिकॉर्डिंग रखते थे फोन में और अपने फोन से बात कराते थे। और उसका अभी आके लड़की 2 महीना पहले हमारे घर पे आई थी, 2 महीना पहले घर पे आई थी, लड़की ने बताई थी कि माँ हमें मुझे ये मार सकते हैं, पापा हमको ये शक है कि इन्होंने हमारे नाम बीमा करा रखा है, हमको ये बिल्कुल शक है कि हमको ये मार देंगे, ये एक लड़की से शादी करना चाहते हैं, उसी के फोन में लगे रहते हैं, उसी के घर पर रहते हैं, उसी को मनियाता ले जाते हैं। उस दिन भी फोन लड़की ने शाम को किया, तब भी इन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग रखा रखी है, मतलब इनका ये काम था। हमारी लड़की के पास कोई 2-3 साल से फोन नहीं था बिल्कुल, इसलिए हमको केवल एक ही साफ गुजारिश है कि हमारे को मतलब न्याय मिलना चाहिए। हमको अभी ये भी शक है कि इन्होंने हमारी बड़ी लड़की को मार दिया, तो ये छोटी भी लड़की के साथ कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमको भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे आदमी को दंड मिलना चाहिए।